हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूं सौरभ और ये देखिए साक्षी जा रही है, वॉक कर रही है। और देखिए आज मौसम कितना अच्छा है, बिल्कुल ग्रीन ग्रीन और इतना सही लग रहा है। हवा चल रही है, सीरियसली इतना अच्छा मौसम होता है ना मॉर्निंग में तो मतलब मज़ा ही आ जाता है बिल्कुल। तो आप सब लोग का स्वागत है हमारे ब्लॉग पर, जिसका नाम है सौरभ एंड साक्षी ब्लॉग्स। और अब मैं अपना मॉर्निंग रूटीन नॉर्मल तरीके से स्टार्ट करने जा रहा हूँ। और पहले तो मैं आपको अपनी शक्ल दिखा देता हूँ। ओके हेलो, तो फाइनली अब मैं अपना स्टार्ट करने जा रहा हूँ आज का जॉगिंग। और आपको पहले बता दूँ कि आज जब हम लोग निकल रहे थे मॉर्निंग में, मतलब हम लोग उठ गए थे 6 बजे, उसके बाद जैसे ही निकलने वाले से तुरंत हमने बिग बास्केट से कुछ सामान ऑर्डर किया था। और वो इतनी अर्ली मॉर्निंग उन्होंने कॉल करके बताया कि हाँ हम लोग आ चुके हैं और सामान ले लो, तो काफ़ी सही था कि मतलब हाँ मतलब हम लोग निकल रहे थे उससे पहले ही उन्होंने कॉल कर दिया। अदरवाइज पता चलता कि हम लोग पार्क में आ जाते उसके बाद उनका कॉल आता कि हम आ गए हैं और फिर हमें रश करके वापस जाना पड़ता। तो वो काफ़ी सही से कोऑर्डिनेट हो गया, टाइम हमारा मैनेज हो गया कि हमारे निकलने से पहले ही उन्होंने सामान डिलीवर कर दिया और हम आराम से यहाँ आके अपनी जॉगिंग कर सकते हैं, वॉक कर सकते हैं। और बहुत ही अच्छा लग रहा है आज यहाँ पे, मतलब इतना अच्छा मौसम है, बिल्कुल अच्छी अच्छी सी हवा चल रही है और थोड़े थोड़े से बादल भी हैं। लेट्स सी। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमने अपना वर्कआउट अच्छा ख़त्म कर दिया है और मेरे पसीने से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मेरी जॉगिंग कंप्लीट हो चुकी है। और आज मैंने 13 राउंड्स लगाए हैं पार्क के और अब हम लोग वापस जा रहे हैं घर। और अभी मुझे पता चला है कि आज तीज है और तो इसलिए हैप्पी तीज टू एवरीवन। और सभी लेडीज़ जिनका आज व्रत है और तीज का व्रत, जैसे कि मतलब अभी साक्षी ऐसा डिस्कस कर रही थी कि बहुत टफ होता है, खाना तो नहीं खाते लेकिन पानी भी नहीं पीते ना, पूरा दिन पानी भी नहीं पीते। तो लेडीज़ जनरली रात में उठ के जो खाना पीना होता है खा लेते हैं, उसके बाद फिर रात में ही फिर खाते हैं और पीते हैं ना, अगले दिन सुबह। तो दोस्तों जैसे कि अभी हम लोग आपको बता रहे थे कि आज तीज का त्यौहार है और ये इंडिया में, मतलब स्पेसिफिकली नॉर्थ इंडिया में ये बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। और लेडीज दिन व्रत रहती हैं, शिव जी पार्वती माता की पूजा होती है। और बहुत सारे लोगों को हो सकता है ना पता हो, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया इसको सेलिब्रेट नहीं किया जाता है। ये जनरली वैसे मैंने बताया कि नॉर्थ इंडिया में ज़्यादा सेलिब्रेट किया जाता है। तो उनके नॉलेज के लिए मैं बता देता हूँ कि जो तीज का त्यौहार होता है वो जनरली मानसून के मौसम में मनाया जाता है। और तीन तरह की जो है मतलब तीज होती हैं, जो कि मतलब मानसून के सीज़न में ही तीनों तरह की तीज आती हैं। और ये इनके नाम होते हैं, पहला हरियाली तीज, फिर कजरी तीज और उसके बाद फिर हरतयाली तीज। तो फिर ये जो तीन तरह की तीज हैं ये सारी ही मानसून के मौसम में मनाई जाती हैं और इन सभी में लेडीज़ फास्ट करती हैं और शिव जी और पार्वती जी की पूजा करती हैं। और आपको बता दें, आपके नॉलेज के लिए शायद आपको ना पता हो कि जो तीज जो वर्ड है वो बेसिकली एक नेपाली वर्ड है। और जैसे कि हो सकता है, हाँ अभी आपको सरप्राइज होंगे, नेपाली वर्ड, हाँ मतलब तीज नेपाल का भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मतलब फेस्टिवल माना जाता है। वहाँ पे भी पार्वती जी की बहुत ज़्यादा मान्यता है और उनकी बहुत पूजा की जाती है। और अब मैं बताता हूँ कि ये जो तीन तीज हैं, मतलब पहली वाली जैसे जो हरियाली तीज थी वो जनरली आपकी चंडीगढ़, हरियाणा, पंजाब, इन सारे एरियाज में ज़्यादा मतलब उसको महत्व दिया जाता है, उसको लोग ज़्यादा सेलिब्रेट करते हैं। फिर नेक्स्ट जो तीज है जिसको कहते हैं बड़ी तीज या कजरी तीज, तो कजरी तीज जो होती है वो ज़्यादा फेमस है यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान। तो ये जो एरिया है यहाँ पे कजरी तीज ज़्यादा मतलब जो है मनाई जाती है। इसमें कजरी फोक सॉन्ग्स होते हैं, बेसिकली कजरी गाने गाए जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा फेमस है। अगर आप यूपी, एमपी, बिहार, राजस्थान, इन सब के जो लोकल एरियाज हैं यहाँ पे जाएंगे तो लोकल फोक सॉन्ग्स जो हैं उनको कजरी के नाम से जाना जाता है। बहुत सारे लोग को ये नहीं पता है लेकिन अभी भी कजरी मतलब एक बहुत ही अच्छा मतलब एक वो फोक सॉन्ग का एक कैटेगरी है, एक जॉनर है जो कि बहुत ही ज़्यादा सेलिब्रेटेड है। देश के बाहर भी इसको लोग सुनते हैं, परफॉर्मेंसेज होती हैं इस पर।
ये मतलब काफी ज्यादा मतलब इसका महत्व है। और जो लास्ट वाला हरियाली तीज जो मैंने बताया वो नेपाल में बहुत ज्यादा फेमस है, नेपाल में, उत्तराखंड में, हिमाचल में, सिक्किम में, मतलब कि ये जो हिमालयस का जो ऊपर वाला जो रीजन है, नॉर्दर्न पार्ट, एकदम नॉर्थ, यूपी से भी ऊपर का जो पार्ट है, और जो नॉर्थ ईस्ट का पार्ट है, सिक्किम, मणिपुर और नेपाल मैंने बताया, और ये जो ऊपर के जो हिली एरियाज हैं हमारे इंडिया में, वहाँ पे हरियाली तीज का बहुत ज़्यादा महत्व है और वहाँ पे मनाया जाता है ये। तो मैंने आपको थोड़ा बहुत आज बताने की कोशिश की है कि तीज के बारे में। जनरली तीज का व्रत घरों में हमारी मम्मियाँ और मतलब जो है हमारी जो रिलेटिव्स हैं सब रहते हैं, फीमेल्स घर में रहती हैं, और हम जानते हैं कि लोग इस दिन फास्ट करते हैं, लेकिन इसके बारे में डिटेल्स जनरली मुझे भी नहीं पता थी। मैंने भी जो है आज काफ़ी मतलब जो इस पर स्टडी किया, उसके बाद मुझे कुछ चीज़ें पता चली, जैसे कि ये नेपाली वर्ड है, नेपाल में सेलिब्रेट किया जाता है, और इतने तरह की तीज होती हैं, सारी तीज ये मानसून के सीज़न में ही आती हैं, बारिश के सीज़न में। तो फिर ये सारी कुछ बातें थी जो मुझे लगा कि आपके साथ भी शेयर करूं, और क्योंकि ऑब्वियसली अगर आपने आज का ये वीडियो देखा तो इसके बाद कोई भी आपको कल तीज के बारे में पूछता है तो आप कम से कम उनको इतनी बेसिक इन्फॉर्मेशन तो दे सकते हैं, और ये बहुत ज़रूरी है स्पेसिफिकली इंडियंस को, और स्पेसिफिकली उन इंडियंस को जिनके रीजन में ये सेलिब्रेट किया जाता है, क्योंकि एक बहुत ही बड़ा, बहुत ही पुराने समय से ये त्यौहार मनाया जा रहा है, और मतलब इसकी बहुत महत्वता है हमारे पूरे कल्चर में। लेकिन आज के ज़माने में क्योंकि इन सब चीज़ों से लोग मतलब ऊपर उठ रहे हैं, मतलब इसको नहीं मान रहे हैं, जो भी है, मतलब लोगों को पता ही नहीं है कि ऐसा कोई त्यौहार है, बहुत सारे लोगों को, नई जनरेशन को, तो उनके लिए मैंने आज ये इन्फॉर्मेशन आप लोग को दी है। आई होप कि आपको ये अच्छा लगा हो, और इसके साथ ही बता दूं कि अब हमारा, क्योंकि हम लोग थोड़ा सा मॉर्निंग में वर्कआउट वगैरह करके आए थे, तो अब ज़रूरी था कि जो है थोड़ा सा हम लोग लाइट कुछ मतलब ब्रेकफास्ट और ये सब करें। तो देखिए एप्पल आ चुका है और साथ में आ चुके हैं बहुत ही हेल्दी चने, तो ये बहुत ही लाइट चीज़ें हैं जो मैं और साक्षी अब खाने जा रहे हैं, और उसके बाद फिर हम लोग मतलब अराउंड 2 घंटे बाद फिर ब्रेकफास्ट भी करते हैं। ये आप कह सकते हैं कि ये प्री ब्रेकफास्ट है हमारा। ये देखिए नाश्ता रेडी है और आज बना है पोहा, और पोहा विद अ ट्विस्ट, साक्षी ने एक ट्विस्ट डाला है इसमें, और इसमें ये अनारदाना डाल दिया है। वाह, देखने में बहुत ही सुंदर लग रहा है, और हम इसको खाने जा रहे हैं, साथ में हम देखेंगे टीवी सुबह सुबह। Many hours later. तो गाइस मैं गुलाब जामुन बनाने जा रही हूँ, अब इसको मैं एमटी आता है मिक्स, रेडी मिक्स, इससे भी बनाऊंगी, और ये जनाब ऑफिस कर रहे हैं अपना, मैं अब इसको इसका डो बनाने जा रही हूँ। ये पाउडर है एमटीआर का, इसको पहले ऐसे कर लें, इसको मैं पानी से गूंथूंगी, वैसे दूध से भी गूंथा जा सकता है, दूध से और अच्छा होता है इसमें, लेकिन दूध है नहीं, खत्म हो गया है, तो मैं पानी से इसका डो बनाऊंगी। डो बनाने के बाद खाती हूँ। इसको हम 5 मिनट रेस्ट के लिए रख देंगे, जब तक ये डो सेट होगा तब तक हम चाशनी बना लेते हैं। हमने चाशनी बनने के लिए रख दिया है, हमारी चाशनी पकने शुरू हो गई है।
ये देखिए बन रहे हैं गुलाब जामुन, और इधर देखिए ये गोले बना के रखे हुए हैं, और यहाँ पे गुलाब जामुन बनाया जा रहा है, और ये देखिए यहाँ पे इसकी गुलाब जामुन की चाशनी भी तैयार है। तो इसको फ्राई करने के बाद इसमें later. Hello guys, ये देखिए क्या क्या आया हुआ है, और ये सब आया है साक्षी के डिमांड पर, क्योंकि साक्षी का आज बहुत ज्यादा मन कर रहा था पानी पूरी खाने का, तो हमने पानी पूरी ऑर्डर किया। ये देखिए पानी पूरी आया है, वाओ। ये देखिए दो तरीके का पानी आया है, और इतना ज्यादा पानी दे दिया है कि क्या बताऊं, ये तीखा वाला ये मीठा पानी, इसका ये स्टफिंग दिया हुआ है, और ये पानी पूरी, ठीक है, और ये साथ में राज कचौड़ी भी मंगाया हुआ है, इसको भी ऐसे पैक करके दिया है, इसकी चटनी अलग से दी हुई है। ओह माय गॉड, दिस इज सो ऑसम, रेडी हो? ओहो, सच में अब तो रहा नहीं जा रहा है, स्टार्ट कर दिया। हेलो एवरीवन, डिनर हो चुका है और अब बारी है स्वीट डिश की। स्वीट डिश में हम खाएंगे गुलाब जामुन, जो कि साक्षी ने आज दिन में बनाया था, इसको खा के हम देखेंगे कि कैसा बना है। वैसे ऑलरेडी मैं टेस्ट कर चुका हूँ और बहुत अच्छा बना था। तो अब इसके साथ आज आपने देखा हम लोगों ने आज दिन भर क्या किया, बस खाते गए, मतलब काम वाम भी किया लेकिन खाया बहुत आज, और हमारे फेवरेट गोलगप्पे वगैरह भी हमने खाए। तो इसके साथ मैं अब ये ब्लॉग आज का यहीं पे ख़त्म करता हूँ। हैप्पी तीज टू एवरीवन, और इस समय तो आई थिंक हाँ मैं देख रहा हूँ सब लोग व्हाट्सएप पे और फेसबुक वगैरह पे हर कोई तैयार नैर हो के एकदम फोटो वोटो डाल रहा है, तो बहुत अच्छी बात है, सब लोग बहुत खुश हैं, अच्छे से सब सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। तो आप सब लोग को मेरी तरफ से एक बार फिर से हैप्पी तीज, और अब ये व्लॉग हम यहीं पे खत्म करते हैं, आपको कल मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, और ये गुलाब जामुन आप सब लोगों के लिए।